बताएंगे क्लास 9 और एक्सरसाइज है 8.3 और क्वेश्चन है 10 का पहला नंबर। देखिए एक त्रिभुज है और इसका कोण का मान जो है ज्ञात करना है। यहाँ पे ए का मान, ए का जो है कोण है 4x है, बी का 2x है और सी का 3x है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो आपका जो होता है 180 डिग्री। तो कोण का संकेत हम ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे कोण ए आप प्लस कोण बी आप प्लस कोण सी आप बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए का जो दिया हुआ है वैल्यू वो है आपका 4x, यहाँ पे लिखेंगे 4x और बी का है 2x, तो 2x लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे 3x आप बराबर कितना 180 डिग्री। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री, फिर x बराबर 180/9, 9 से कटा देंगे इसको तो हो जाएगा 20 डिग्री, यानी x का मान जो आया हमारा 20 डिग्री आ गया। अब आपको निकालना क्या है, तो कोण ए निकालना है, तो कोण ए कितना है जी 4x, तो 4x लिखिएगा और 4 है गुणे x का मान 20 है, यहाँ पर आपको 20 रख देना है और गुणा कर देना है तो 80 डिग्री आ गया। और उसी प्रकार आपको कोण b निकालना है, तो b है आपका 2x, तो 2 गुणे 20 और बराबर 40 आ गया, ये भी आपका आंसर हो गया। कोण c आपका 3x है, तो 3 गुणे 20 और बराबर 60। अब देखिए चेक कैसे करेंगे आपका सही है कि गलत है, क्या कीजिएगा तीनों को जोड़ लीजिएगा, जोड़ने पर देखिए आ रहा है 180, इसका मतलब है कि आप सही बनाए।